हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही आम लड़के की कहानी है जो बेचारी ना चाहते हुए भी एक खतरनाक अफेयर को देखती है और फिर उसमें फंस जाती है। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ बहुत मज़े से एकदम गजब पोज दे रही होती हैं अपनी तस्वीर बनाने के लिए, और ये तस्वीर हमारी हीरोइन जिसका नाम शिक्की है वो बना रही होती है। ये काफ़ी फेमस होती है क्योंकि ये जो पेंटिंग्स है जो बनाती है वो ऐसा लगता है कि एकदम रियल ऐसी बनाती है, इसलिए बहुत फेमस होती है। तो सब जितनी भी ये जहाँ पे पेंटिंग बना रही है वो एक्चुअली एक ब्रॉथल है, यानी जहाँ ब्रॉथल है जहाँ पे कई सारी लड़कियाँ होती हैं और उन्हीं की ये पेंटिंग बना रही है। ये खुद ब्रॉथल में काम नहीं करती, बस पेंटिंग बनाती है, ये वही पेंटिंग बना रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई एकदम अच्छे से अपना सर्वर ढक के आ रहा है, और हम फिर वो जब आ रही होती है तो फिर ये जो ब्रॉथल की मैडम हेड मैडम है तो इनसे मिलती है। तो हमें पता चलता है ये जो बंदी है इसका नाम है मिस शेन, और ये जैसे इसको मिलती है तो तुरंत इसे बोलने वाली होती है कि मिस शेन आप यहाँ, तो ये पहले बोल देती है कि अपनी बकवास बंद करो और मतलब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मुझे बस बताओ कि तुम्हारी जो पेंटर है शिक्यू कहाँ है। तो अंदर शिक्यू जो आराम से पेंटिंग कर रही होती है, तभी इसकी जो एक फ्रेंड है जो इस ब्रॉथल में काम करती है वो आती है और इसे बोलती है कि जब से आपने मेरी पेंटिंग बनाई तब से आप काफ़ी फेमस हो गई हैं यहाँ पे, और मुझे मतलब बहुत ही लोग आपके पास आने लगे हैं। इसके बाद वो उससे कहती है कि आपने मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि आपकी जो बहन थी उसको किसी ब्रॉथल में ही बेच दिया गया था, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। तो आप एक काम करिए ना, आप जब पेंटिंग बना ही रही हैं तो आप सबके जितने भी कंधे हैं चेक कर लीजिए, क्या पता किसी पे प्लम ब्लॉसम बना हो। उसके बाद फिर वो सब जितनी लड़कियाँ सबको बोलती है कि जिसका भी सबसे अच्छा कंधा होगा हम उसको उसकी पेंटिंग और अच्छी बनेगी, वो फ्री में बनेगी, सबसे पहले बनेगी। तो वो फिर सब लड़कियाँ अपना पंथा दिखाती है पर किसी पे भी प्लम ब्लॉसम नहीं होता है। तभी वहाँ पे ब्रॉथल की मालकिन आ जाती है और सबको कहती है सब लोग बाहर निकलो, कोई मिलने आए, और तभी एंटर ये मिस शेन आती हैं। अब ये इनको देखती है, इसके बाद ये दोनों कन्वर्सेशन करने बैठती हैं। तो फिर ये जो हमारी शिक्की है ये इसको बोलती है कि मिस शेन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जिन लोगों की मैं पेंटिंग बनाती हूँ वो लोग ब्रॉथल में काम करती हूँ, या उन लोगों की जवानी जा रही है तो वो लोग बस अपनी जवानी को बरकरार याद एक अच्छी याद बने रहने के लिए वो लोग बस पेंटिंग बनवाते हैं, लेकिन आप तो एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, मैं आपकी पेंटिंग कैसे बना सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। लेकिन जो ये बंदी रहती है ये सब इतना कहती है, क्या तुम अपनी बहन से मिलना चाहती हो? तो फिर ये कहती है मेरी बहन क्या आप उसे जानती हैं कहाँ है? तो वो बस इतना बोलती है कि अगर तुम अपनी बहन को देखना चाहती हो तो तुम 11 बजे रात में मेरे यहाँ पे जो रेसिडेंस है क्विंग रेसिडेंस वहाँ पे तुम्हें आना होगा। खैर रात होती है, फिर ये वहाँ जाती है। तो जब ये जाती है तो देखती है कि मतलब पर्दे वर्दे लगे हैं सब है, और एक जगह मतलब इसकी बनी है एंट्रेंस, एंट्री करती है इसकी पेंटिंग बनाने की जगह बनी है। और फिर ये अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ दो लोग इंटीमेट हो रहे थे, ये वही मिस शेन होती है किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती हैं, और ये लोग मज़े से अपना बहुत करीब होते हैं। इस चीज़ को ये देख लेती है और एकदम चौंक जाती है कि ये मुझे क्यों यहाँ बुलाई हैं, और फिर ये भागने लगती है। लेकिन वहाँ से जो मिस शेन होती है वो ये बोल के उठती है कि मैं वाइन लेके आ रही हूँ, तुम रुको वेट करो, और फिर इसको यहाँ से बोल देती है अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हें बहन से नहीं मिलोगी। तो फिर ये इसे बुलाती है, आप इनको अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से वाइन ले रही है, बीच में एक बड़ा सा कुछ स्टैंड टाइप का जिससे इसका फेस हिडन है, उधर की तरफ दिख नहीं रहा है। तो ये इसे पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है? तो वो सिर्फ इतना कहती है कि तुम पेंटिंग बनाओ और एक बार तुम बना लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी बहन कहाँ पे है। खैर फिर ये अपना करीब आ रहे हो, इतना खेल रहे होते हैं, ये जो है ये प्रिंस है। तो ये जो इसने जो देखा है अफेयर, ये बहुत ही गलत अफेयर देखा, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और ये राजा का बेटा है, तो इनका अफेयर चल रहा है, ये गलत है। अब क्यों गलत है आगे पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे पेंटिंग बना रही होती है, तब तक हम अच्छा इनकी कन्वर्सेशन भी हमें सुनाई जाती है, जिसमें ये इसको कह रहा होता है कि तुमने जो भी रिसेंट अभी जो तुमने पाउडर लगाया बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ें सुन रही होती है। इसका कुछ सिग्निफिकेंस है आगे एपिसोड्स में, इसलिए भी बताया गया है ये चीज़। फिर ये बनाने में इससे स्टैंड गिर जाता है तो इसको आवाज़ आती है, तो इसकी पहले आँखों पे इसने पट्टी वट्टी बांधी हुई थी, फिर इसे हटाते पूछता है कौन है वहाँ, तो ये इसे कंट्रोल कर लेती, कहती है कुछ नहीं बस बिल्ली हो गई, फिर ये अपना काम चालू रखते हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद ही दोनों बातें कर रहे होते हैं, और फिर ये उसको बता रही होती है कि मैं नहीं चाहती, इसकी शादी एक्चुअली एक जनरल के बेटे से तय हो गई होती है, इसका नाम शाओ हान सेंग है, उससे तय हो गई होती है, तो ये बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूँ।
तो ये उससे कहता है क्यों नहीं चाहती हूँ। आखिर वो ड्यूक जेन का एक लौता बेटा है और इतने बड़े उसके फादर इतने बड़े पोस्ट पे हैं। तो ये कहती है लेकिन तुम तो एक राजा के बेटे हो ना। तो फिर वो उससे कहता है कि कम ऑन तुम मुझसे शादी कर लो, और वैसे भी तुम क्या कहोगी सबको कि तुम्हारी ऑलरेडी जौशन से शादी तय थी फिर भी तुम्हारा अफेयर राजा के बेटे के साथ चल रहा था, तुम कैसे बताओगे सबको ये। जिस पर उसको एक तमाचा दो चार पांच और मारने चाहिए था। तो फिर वो उसे फिर से कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तो वो फिर उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम जौशन से शादी कर लो हमारे फिजिकल, ताकि वो उसको आगे मैं अपने अपने उससे मैं आगे अपना काम करवा सकूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी उससे हो जाए। बेसिकली ये उसको यूज़ करना चाहता था कि मतलब वो जनरल को कंट्रोल में कर ले और फिर ये उससे काम करा क्योंकि वो बहुत अच्छे उस पर था। और तुम परेशान मत हो, मैं एक बार वो मेरे लिए काम करने लगे या मैं तुमको वापस मांग लूँगा उससे, इससे इस तरह से ये बोलता है। और फिर ये और से आगे और भी बोलता है कि और अगर तुम तो सब्र नहीं हो रहा हो जब तक तुम विधवा बन तब तक मेरे पास आने का, तुम्हें अगर सब्र नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चोर चुप के मेरे मैनर में आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। इतना बोल के ये चिरकुट आदमी बाहर जा रहा होता है तब तक तो खड़ी होती कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो जिस भी इसके पास आता है सही में यार ये बहुत बहुत बड़ा वाला है, ऐसे कहता है कि ये कोई पहली बात थोड़ी ना कि कोई औरत मुझसे ये बोल रही है, तुम तो जानती हो हर साल मैं कितनी औरतों के साथ सोता हूँ और कई को तो चेहरे भी मुझको याद नहीं है, और तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे कहता है कि तुम जौशन से शादी करके एक अच्छी जनरल वाइफ बन जाओ बस, और फिर वहाँ से चला जाता है। ये बहुत एकदम गुस्से में होती है। फिर यहाँ पे जो ये जब वो चला जाता है तो पेंटिंग ये बना लेती है, तो फिर ये अब ये मिस चैन को ढूंढते हुए आती है तो देखती है कि मिस चैन पानी में नहा रही है, पानी दूध पानी में फ्लावर सब मिला के बना उसमें नहा रही होती है। वो उसे कहती है मैंने आपकी पेंटिंग बना ली है मिस चैन, अब ये आप ले लीजिए। तो वो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे पेंटिंग क्यों बनवाना चाह रही थी। तो उसे कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई दूसरे के काम में टांग लाने कोई मतलब नहीं है, आप बस बता दो मेरी बहन कहाँ है। तो जिस पे ये पूल के किनारे आती है उसे कहते हैं क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के साथ हमेशा ले रहना चाहती हो। जिस पे जो हमारी हीरोइन होती है वो थोड़ा सा मतलब रुकती है, शायद कोई है जिसको ये पसंद करती है, तो फिर समझ जाती है कि शायद तुम्हें किसी से प्यार हुआ है, तो मुझे भी हुआ है। लेकिन ये आगे बताती है लेकिन मेरे पापा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते थे कि मैं सिर्फ अपने जो इंपीरियल क्रोड है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए मतलब उसको नॉर्मल पापा में सत्ता बढ़ाने के लिए एक ऐसे आदमी से शादी करूँ जिससे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। और उससे पूछती कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती, क्या तुम तैयार होती। तो इस अब हमें जो हमारे हीरोइन है उसकी कहानी पता चलती है। तो ये कहती है कि मेरे बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, बस मेरी एक बहन थी उससे भी सालों पहले मैं बिछड़ गई, उसी को मैं खोज रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन हाँ आप अपने पिताजी से बात करिए शायद कुछ हल निकल आए। इस पर कहती है तुम सही में बहुत बोली हो। और फिर ये खैर अपना पानी में तैरने लगती है। तो खैर फिर ये इससे कहती है शायद आपने मुझसे अब पेंट कराने के लिए झूठ बोला था, आप जानते भी नहीं कि मेरी बहन कहाँ पर है, चले कोई बात नहीं मैं ये पेंटिंग यहीं रख दे रही हूँ। वो पेंटिंग वहाँ रख देती है और घबराई मत, मैं किसी को बताऊँगी नहीं आपके अफेयर के बारे में, क्योंकि ये जानती होती है कि वो राजा का बेटा, क्योंकि वो हमेशा ब्रॉथल में घूमता ही रहता है, उसे मैं बहुत नंबर का क्या बताऊँ दुता है। तो फिर लेकिन जब ये जा रही होती है तो इसको मिस चैन की आवाज़ नहीं आती, तो दोबारा से पानी के पास आती है वो और फिर कहती है मिस चैन। तभी अचानक से एकदम से निकल के आती है ये बंदी और उसको पकड़ के पानी में घसीटते ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इसको ये लेटा रही है और बगल में यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि अपनी नाइफ को मोमबत्ती से गर्म कर रहा है और इसके पूरे चेहरे पे पट्टी वट्टी लगी हुई है। और हम ये देखते हैं कि ये जो है इसके ऊपर चढ़ती है और बोलती है कि अब ये खूबसूरत चेहरा अब मेरा होगा। और ये पार्ट हमारा यही ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। बाकी थैंक यू।